उसमें तीन बातें पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, इस बुक की अच्छी बात यह है कि इस बुक को इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस चैप्टर में तीन बातें बताई जा रही हैं। एक नंबर्ड लिस्ट, जाहिर है जब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये मार्कअप लैंग्वेज है, हमने डिस्कस किया था। तो मार्कअप में जो MS वर्ड में या जो अपने जर्नल में आप जो जो चीज़ें लगाते हैं वो सब मार्कअप है, जिसमें हेडिंग भी शामिल है, बुलेट पॉइंट्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो जो जो ये पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो हम उसमें से अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं आज, कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे HTML के ज़रिए एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक नंबर वाली लिस्ट और एक बुलेट वाली लिस्ट, और तीसरी एक डेफिनेशन लिस्ट भी है, जो शायद आपने पहले नाम नहीं सुना, डेफिनेशन लिस्ट। तो वो तीन चीज़ें इस हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ ओकेजन्स वेन वी नीड टू यूज़ लिस्ट। HTML प्रोवाइड अस थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तीन लिस्ट इसने बताई है, और कौन सी लिस्ट कहाँ पे यूज़ होती है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो वैसे ही मुझे बताओ, एक तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको वो नंबर और बुलेट लिस्ट भी कह रहा था, ठीक है। जो नंबर वाली लिस्ट होती है वो क्योंकि एक ऑर्डर में होती है तो उसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, और एक होती है बुलेट, बुलेट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है क्योंकि उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। तो कोई आप में से मुझे बता पाएगा कि इन दोनों लिस्ट में ज़ाहिर है डिफरेंस है, तो कौन से मौके पे हमें ऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से मौके पे हमें अनऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई आप में से बता जैसे पाएगा? अगर किसी चीज़ की, किसी खाने की है, कुछ उसकी रेसिपी बतानी है तो पहले नंबर की चीज़ सुननी पड़ेगी। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो पहले पानी लेना है, फिर उसके बाद फिर आनी है, चीनी डालनी है, डालना है। लेकिन इससे जो हम नंबरिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसमें 1 2 3 स्टेप बाई स्टेप करना पड़ेगा, इसमें नंबर डिस्ट यूज होगी। बाकी जो बुलेट लिस्ट है उसको मतलब किसी चीज़ की लिस्ट है, मतलब एक दुकान पर क्या क्या चीज़ें हैं, बिस्कुट, जूस भी है, और चाय भी है, कॉफ़ी भी है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर भी। सही, बिल्कुल यार सही बताया इन्होंने। इन्होंने जो बताया मैं रिपीट कर देता हूँ, और बुक में भी यही एग्जांपल इन्होंने बताई है कि अगर आप किसी को रेसिपी शेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ की रेसिपी बता रहे हैं, अंडा फ्राई करने की रेसिपी है, तो पहले उसमें अंडा तोड़ेंगे फिर उसको पैन पर डालेंगे, या मे बी उससे भी पहले शायद थोड़ा पैन पर ऑयल डालना पड़ेगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि पहले अंडा तोड़ दूँ पैन पर, ऑयल बाद में डाल दूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है इसमें, तो इस वजह से इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें सीक्वेंस मैटर करता है उसको हम नंबर वाली लिस्ट बना के लिखते हैं, या ऑर्डर में, एक ऑर्डर में इस काम को किया जाएगा, ठीक है। या किसी और रेसिपी की अगर हम बात करें, और कोई कॉमन सी डिश बिरयानी बताओ। हो गई, चाय हाँ, बिरयानी हो गई। हो तो गई, बिरयानी हाँ, नहीं बिरयानी में मुझे नहीं पता क्या पहले क्या होता है, बिरयानी में पहले क्या होता है? सबसे पहली जो है ना उसके पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद प्याज को कर करके प्याज और टमाटर को डालेंगे। अच्छा, मतलब पहले कुछ शायद मसाला वसाला तैयार होगा। पहले प्याज और उसको टमाटर को ना और हाँ अच्छे से लाल कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर चिकन डाल दिया, उसके बाद फिर मसाले डाल दिए, और डायरेक्ट तेरा चावल और डाल दिया। चावल कब डलेगा उसमें फिर? चावल तो बाद में ना, जब बिल्कुल पहले लास्ट। हमारा जब गोश्त बन जाएगा उसके बाद चावल डलेगा। ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस मैटर कर रहा है, और हमें ये भी पता चल गया कि इसका हाथ बिरयानी में अच्छा है। तो बिरयानी बनाने में भी सीक्वेंस मैटर कर रहा है। अगर किसी बंदे ने पहले पानी डाल दिया, सबसे पहले पानी डाल दिया और फिर चावल डाल दिए और ऐसा फिर होता उसके है, बाद टमाटर वगैरह डालना शुरू किया, तो वो फिर बिरयानी नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। वो भी सही एक है, चावल होता है, ग्रेवी होती है। बस जिस चीज़ का भी सीक्वेंस फॉलो किया वो बन जाएगा वो। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बताई है। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट तो समझ आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी तरह जो बिरयानी का बनाने का तो सीक्वेंस है, लेकिन बिरयानी में डलने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि भाई क्या क्या डलेगा, चावल होगा शायद, गोश्त होगा, और कुछ टमाटर वमाटर होंगे, आलू होगा। तो ये चीज़ें जो है, अगर मैं, अगर इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ कि यार ये होना चाहिए, तो वो मैं ऊपर नीचे भी कर दूँ तो खैर है उसकी, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? टाइम तो देखो, मैच तो था लेकिन यहाँ पे टाइम तो 2 बजे का है ना, तुम 40 मिनट्स लेट आए हो। सही है। अच्छा, असाइनमेंट तुम्हारा बना हुआ है, CV बनी हुई है, होस्ट हुई भी, गुड। अच्छा, एक तीसरी डेफिनेशन लिस्ट है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेफिनेशन लिस्ट आर मेड अप ऑन अ सेट ऑफ टर्म अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस। जैसे आप जो EDMs वगैरह लिखते हैं हम जब कॉपी में, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक साइड में एक वर्ड होता है, उसके आगे एक सेंटेंस होता है,
या सम टाइम आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि यार एक वर्ड है उसके अगेंस्ट आपने एक सेंटेंस बनाना है, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके लिए हम कॉपी पे कैसी लाइन खींचते हैं, वर्ड्स होते हैं उसके फ्रंट पे उसकी डेफिनेशंस होती हैं, तो इस तरह की लिस्ट भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो इस तरह की लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आपने डेफिनेशन लिस्ट बनानी है फिर, ठीक है। अब ये तीनों बनेगा कैसे, कौन से मार्कअप्स इस्तेमाल होंगे उसको बनाने में, वो अभी आगे बता रही है। अच्छा, हर चैप्टर में ना इसने देखो क्या किया, हर चैप्टर के शुरू में ना इसने एक वेबसाइट छोटी सी ना बना के दिखा दी है कि अच्छा मकसद क्या है उसका, उसका मकसद ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये वेबसाइट आपकी बनी हुई होनी चाहिए। मतलब ये वेबसाइट ये ख़ुद बनाएगा इस चैप्टर में, तो जाहिर है जब ये चैप्टर आप ख़त्म करेंगे तो आपकी भी बन जानी चाहिए वेबसाइट, सही है। तो इसका पॉइंट ये है बताने का, तो इस पॉइंट को प्लीज़ कंसिडर कीजिए। बोलो, नहीं कुछ अगर हंसी की बात है तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूँगा ना। अच्छा, तो अच्छा ये आपके ना ऑर्डर्ड लिस्ट बन गया सबसे पहले। अच्छा, आई होप कि आप ये ऑर्डर्ड लिस्ट पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि आपने सीवी बनाई थी तो उसमें आपने ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैंने देखा है। लेकिन अभी वो आपने वैसे ही बनाया था, अभी थोड़ा समझ भी लेते हैं कि वो कर क्या रहा है, वो काम हो क्या रहा है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट को ना देखो, अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबर लिखे हुए आएंगे, सीक्वेंस मैटर कर रहे हैं आप। सबसे पहले ओएल का ना एक टैग ओपन हुआ है, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम देख चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, कि ओपनिंग टैग जो होता है उसमें एंगल ब्रैकेट इधर और बीच में उस टैग का नाम लिखा हुआ होता है। क्लोजिंग ब्रैकेट में जो एक फॉरवर्ड स्लैश एक्स्ट्रा होता है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस हम देख चुके हैं। तो ये यहाँ से ओपन हो रहा है टैग और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ यार, जूम इन करता हूँ तो कुछ और हो जाता है। अच्छा बताओ तो सही, कि उल्टा पुल्टा दिख रहा है तुम्हें यार। वेल, मुझे पूरे पेज को जूम करना होगा। अच्छा, तो ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग आ गया ऑर्डर लिस्ट का। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक अदद एल आई है। एल आई का मतलब लिस्ट आइटम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, और इसके दरमियान में देखो एक आइटम है, दो आइटम है, तीन आइटम, चार आइटम और ये पांच आइटम है, ठीक है। तो पांच लिस्ट आइटम आपके पास यहाँ पे उन्होंने बनाकर दिखाया है। अच्छा, लिस्ट आइटम कैसे बन रहे हैं, एल आई का टैग ओपन है और एल आई का टैग क्लोज है, ठीक है। अब एक लिस्ट में हमारे पास अभी पांच आइटम है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये समझ आया सबको। हाँ, ये 1 2 3 4 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये खुद लिख देंगे। हाँ, ये ऑर्डर्ड लिस्ट की, क्योंकि ऊपर टैग लगा हुआ है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इस वजह से ये लिस्ट आइटम को ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 करके दिखाएगा। अच्छा, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में ना लिस्ट आइटम उसमें भी इसी तरह होंगे, लेकिन ऊपर ये जो हेडिंग है ना ol, उसमें ol नहीं होगा, उसमें होगा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी फ़ौरन वही आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम है, लिस्ट आइटम बिल्कुल सेम है, एल आई ओपन है यहाँ से और एल आई यहाँ पे क्लोज है। हर लिस्ट आइटम में एल आई ओपन, एल आई क्लोज है, और बीच में जो भी बात लिखनी है वो बीच में आ जाएगी उसकी। लेकिन ऊपर का ये वाला जो टैग है ना, ये फ़र्क है, ये UL है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने नीचे चला जा रहा है, इसको ना कुछ चेंज करना पड़ेगा सेटिंग। अच्छा, तो ये हमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का जो कोड था वो हमने समझ लिया, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो समझना आई हो, आसान है बिल्कुल, ठीक है। ये बुक बहुत इजी है, अब बस हमें बुक को फॉलो करना है, हम बुक के साथ साथ चलेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करना है थोड़ा थोड़ा हमें, ठीक है। ये अभी आप सब लोग ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। हाँ, ये कर चुके थे, एक दफ़ा दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जैसा कि हमने जिक्र किया था कि एक वर्ड होगा और उसके आगे एक सेंटेंस होगा। अब वो उसका डेफिनेशन भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब डिक्शनरी जो होती है एक्चुअली वो क्या होती है, एक एक वर्ड होता है उसके आगे लंबा सा सेंटेंस होता है, उसको कुछ डिफाइन कर रहा होता है मे बी, ठीक है। तो कोई जैसे मैंने जिक्र किया था, एक्सरसाइज आपको दी जाती है कि वर्ड्स होते हैं उसका सेंटेंस बनाना होता है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको बनानी होगी तो इस तरह से उसका कोड लिखा जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट है वो ऐसा दिखेगा,
डिक्शनरी कुछ इसी तरह से दिखती है हमें, जो फिज़िकल डिक्शनरी होती है जब उसको खोलते हैं उसमें इसी तरह से लिखा हुआ होता है। तो अब इसमें कोड इन्होंने क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं। एक था UL अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट, ये है DL डेफिनेशन लिस्ट। तो ऊपर DL ओपन है और DL क्लोज है यहाँ पे, ठीक है, ये तो सेम है। अब अंदर इसके उसमें तो लिस्ट आइटम्स हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक लिस्ट आइटम में दो चीज़ें हैं, एक वर्ड है और एक डेफिनेशन है। तो जो वर्ड है ना उसके उसका टैग है DT, ठीक है। DT का मतलब है कि डेफिनेशन टर्म, कि कौन जो टर्मिनोलॉजी है जो असल वर्ड है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन टर्म है और उसके बाद डेफिनेशन डेफिनेशन पता नहीं क्या है नीचे लिखा हुआ होगा इन्होंने, ठीक है। DD स्टैंड्स फॉर, अभी मैं भूल गया हूँ कि क्या था। वेल तो ये टर्म है और ये डेफिनेशन है, इन दोनों का टैग जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कभी भूल भी जाओ तो बुक आपके पास है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छी बात ये है कि कभी भी आपसे जब कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है, या जब आप जॉब कर रहे होते हैं या बाकायदा सॉफ्टवेयर बनाने जब आप बैठते हैं, तो आपसे कोई ये नहीं कहता कि यार बुक नहीं खोलनी आपने, बुक आपके पास होती है, इंटरनेट आपके पास होता है, सब चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि इन टैग्स को रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको रटने से कुछ नहीं होगा, इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास रहेगी। ये बुक आपसे कोई नहीं मांगेगा कि आपसे कोई नहीं कहेगा यार बुक बंद कर दो, ये बुक आपके पास होगी, ठीक है। अभी आपका अगर हैकाथॉन वगैरह भी होगा यहाँ पे, ज़ाहिर है फाइनल जो टेस्ट होता है, तो फाइनल टेस्ट में भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि बुक नहीं खोलनी है, बुक आपके पास है, पूरा इंटरनेट आपके पास है, आपका जो पहले लिखा हुआ कोड है यानी प्रीवियसली जो आपने अपने हाथ से कोड लिखा है वो github.com पे है, तो वो भी आपके पास रहेगा, वो भी कहीं नहीं जाता। तो फिर करना क्या है, मतलब द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए ये टूल्स अवेलेबल है मेरे पास। द ओनली थिंग यू नीड टू डू कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं आपके पास। जैसे मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ, अब एक कारपेंटर है, अब ये टेबल जैसे हम जिस पर अभी रख के बैठा हुआ हूँ, ये इस पर ये किसी कारपेंटर ने बनाई होगी यार, ज़रा सा कुछ होता है ना तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये सही चीज़ नहीं है। अब क्या कह रहा है वो, तुम्हारे तुम लोगों की बातों में उसकी बात दब गई। बिल्कुल हो सकते हैं इसके अंदर, इसके हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसी बुक में, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसा स्ट्रक्चर ये नीचे बना हुआ आ रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इन टैग्स की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिंपल डिव के ज़रिए भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल हम ऐसे वाले टैग्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी वर्ड है अगर और उसकी डेफिनेशन किसी वेबसाइट पे लिखी हुई है, तो क्रॉलर को पता चल जाए कि अच्छा यार ये डेफिनेशन यहाँ पे हुई भी है। यार हंसो नहीं तुम, थोड़ा इस तरफ सीरियस हो जाओ। अब आपस में एक दूसरे की शक्लें देख देख के हंसोगे तो फिर सही है। तो इसमें ना सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और स्टिल जैसा कि उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जो टर्म है इसको मैं साइज़ में बड़ा कर सकता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको H1 जितना बड़ा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो इस बुक को दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया। तो शुरू के जो 8 चैप्टर हैं उसमें स्टाइलिंग का कोई जिक्र नहीं है, उसमें कलर्स का जिक्र नहीं है, उसमें बैकग्राउंड कलर का जिक्र नहीं है, उसमें टेक्स्ट के साइज़ वगैरह का, फॉन्ट का कोई जिक्र नहीं है। तो शुरू के जो 8 चैप्टर हैं उसमें ये टैग्स हैं, और टैग्स ज़्यादातर जो है वो सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो इस तरह का स्क्रीन पे स्ट्रक्चर जो आ रहा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं यही टैग यूज़ करूँगा जब ही आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर लाने के और भी तरीके हैं जो भी हम देखते जाएंगे। डिव है वो एक्चुअली, ठीक है। डिव जो है वो बॉक्सेस होते हैं, आप जैसे मर्जी बॉक्सेस बना दें वैसे दिख जाएगा। तो स्टिल हमें ये वाले टैग यूज़ करने हैं, क्यों इसलिए यूज़ करने हैं कि जब मेरी वेबसाइट पर डेफिनेशन होगी ना, कहीं पर डेफिनेशन की लिस्ट होगी। अच्छा, डेफिनेशन की लिस्ट आमतौर पे होती कहाँ पर है, जैसे वेबसाइट में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हो जाती हैं समटाइम, जो कि मुश्किल होती हैं, तो वो साइड में कहीं ग्लॉसरी व्लॉसरी का नाम देके ना एक लिस्ट बना देते हैं कि इसका ये मतलब है। या जैसे जो
लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई अभी कभी पार्लियामेंट में जो बिल वगैरह पेश होता है तो उसमें अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो शुरू में ही ना वो बता देते हैं कि किस चीज़ का मतलब क्या है, नीचे जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसका किस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, अभी रिसेंट नहीं, मैं अभी जो रिसेंटली मैंने वो बिल खोल के पढ़ा था ना, जो अभी ट्रांसजेंडर वाला जो बिल चल रहा है जो मार्केट में, तो वो मैंने कहा यार खोल के तो देखूं पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने देखा शुरू में उन्होंने पूरा बनाया हुआ था कि भाई ट्रांस का मतलब क्या है, ठीक है, अगर सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या है, इस तरह जो भी शुरू जो भी नीचे उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ था तो वो शुरू में डिफ़ाइन किया हुआ था कि अच्छा यार ये इसका मतलब है, ठीक है, ताकि बाद में उसका मतलब कोई घुमा फिरा के कुछ और ना निकाले। तो इस तरह की लिस्ट आपको अक्सर ऐसी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो या कोई वेबसाइट हो, कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म के नहीं, टेलर की भी अगर कोई वेबसाइट है, अब टेलर की वेबसाइट है वो आपसे पूछता है कि यार वेस्ट क्या है, वो क्या है, पीको क्या है, तो अब वो वेस्ट का मतलब क्या है, तो वो आपको क्लिक करके वो कहीं एक दूसरी जगह ले जाएगा जहाँ पे वो सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी कि भाई आपसे वो नाप मांग रहा है ऑनलाइन, अगर आपसे नाप मांग रहा है आपका तो नाप में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कफ होता है, शोल्डर होता है, ठीक है, वैसे आम बंदे के लिए शोल्डर तो वो बाजू है, दैट्स इट, लेकिन मेजरमेंट में शोल्डर कहाँ से लेके कहाँ तक को शोल्डर कहते हैं, हाँ ठीक है, 100 सवाल है, तो वो ऐसे गले का भी एक नाप लेता है वो, अब गले का नाप कहाँ से कहाँ उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज ज़ाहिर कहीं ना कहीं उसको एक साइड पे लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब वो जो लिस्ट बन गई है ना, अगर वो इस वाले टैग से बनी होगी तो कल को अगर कोई सर्च करेगा ना कि व्हाट इज़ शोल्डर, तो शायद उसमें भी ये लिस्ट कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन शो करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जाके गूगल पे ना कोई भी वर्ड बताओ, डेफिनेशन ऑफ कोई भी वर्ड बताओ, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर, ठीक है, अब देखो ये ना किसी वेबसाइट से उठा कर लाया है, ठीक है, टर्म क्या था, एस्ट्रोनोमर, और उसके अगेंस्ट ये जो डेफिनेशन लाया ना वो लिखा हुआ है एन एक्सपर्ट और स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये डेफिनेशन लेकर आया है। तो ये डेफिनेशन किसी वेबसाइट से कैसे लेकर आया है? अच्छा, नीचे और भी लेकर आया है, ये देखो और भी डेफिनेशन उठा उठा के लाया है डिफरेंट वेबसाइट से, ये इसी तरह लाया है कि वहाँ पर शायद ये डेफिनेशन लिस्ट में बना हुआ है, ये कोई ना कोई सिमेंटिक मार्कअप ऐसा है जिसकी वजह से उसको पता चल रहा है कि ये टर्म है, ये उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, तो ये हमने डेफिनेशन लिस्ट देख ली ज़रा। अच्छा, लिस्ट तो तीन तरह की वो हो गई, पूरी हो गई। अब यहाँ पे बता रहा है कि लिस्ट जो है वो नेस्टेड भी हो सकती है, एक के अंदर एक लिस्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, अगर देखने में तो मुश्किल सा लग रहा है लेकिन आसान है, एक यू एल यहाँ से शुरू है ऊपर टॉप से और यहाँ ख़त्म है नीचे, सही है। अच्छा, अब इस यू एल के अंदर कितने लिस्ट आइटम हैं, लिस्ट आइटम नंबर एक, लिस्ट आइटम नंबर दो। अब लिस्ट आइटम नंबर दो ना शुरू तो हुआ है लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब है लिस्ट आइटम नंबर जो टू जो है वो चल रहा है अभी, कंटिन्यू है। अच्छा, आगे उसमें ना एक और यू एल आ गया, इसका मतलब है ये वाला जो यू एल है, ये एक और अनऑर्डर लिस्ट है, वो पॉइंट नंबर टू पे आ गया, वो ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर टू के अंडर में एक और लिस्ट बनी हुई है। अभी इसका हम डिस्प्ले देखते हैं नीचे कि वो कैसा असल में शो हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये लिस्ट नंबर टू ना यहाँ ख़त्म हो गई है, ये इधर से शुरू हुई थी और ये इधर आके ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे लिस्ट आइटम नंबर थ्री भी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है इसमें टोटल एक आइटम, दो आइटम और ये तीन आइटम है, लेकिन जो सेकंड वाला आइटम था लिस्ट आइटम, उसमें एक मुकम्मल पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। अच्छा, अब मुकम्मल पूरी जो लिस्ट है उसको ज़रा देखते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तो बहुत ही फेमिलियर है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी हो सकती है, स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है, देखो लिस्ट आइटम नंबर टू के अंडर में ये एक दूसरी लिस्ट आ रही है। अच्छा, HTML इस चीज़ को समझता है, जब एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट आती है तो HTML उसको समझते हुए उसके बुलेट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया उसने, ठीक है, उसके बुलेट के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके उसने
अलग तरह से बनाया है। ये ऑटोमेटिकली होगा, HTML को पता चल जाता है कि एक लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट आई है। तो और आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स एक रेसिपी, इसने एक रेसिपी की वेबसाइट बनाई है इसने। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको ना देख के इसी तरह से बनाना है जैसा ये बना हुआ है ना, इसी तरह से बनाना है। अच्छा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप स्क्रैम्बल्ड एग की रेसिपी के बजाय अपनी मर्ज़ी की कोई भी रेसिपी इसमें अभी बनानी है आपने। ठीक है, हमारे पास टाइम अभी मौजूद है, आधा घंटा है हमारे पास, सही है, 3 बज रहे हैं पूरे, अभी 3:30 तक टाइमिंग है। 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई इतना इशू तो नहीं है। तो आपने ऐसी एक वेबसाइट बनानी है। अच्छा, वेबसाइट कैसे बनानी है, याद रखें, हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई रिपॉजिटरी बनानी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये टास्क आपको दे रहा हूँ, तो इसके लिए एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे आप। पुरानी वाली जो रिपॉजिटरी जो बन गई वो हो गया, उसको दोबारा से आपने छेड़छाड़ नहीं करना। वो बस आपका एक टास्क बन गया, वो आर्काइव हो गया, वो रिकॉर्ड में चला गया, वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो गई, आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, एक डिग्री है वो आपकी, वो पड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, गिटहब आपसे ये नहीं बोल रहा है कि मुझे पैसे दो मज़ीद रिपॉजिटरी। ठीक है, रिपॉजिटरी बनाना बिल्कुल फ्री है। अब ये वाला जो टास्क है, आप क्या करेंगे, एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, रेसिपी वेबसाइट या कोई भी इस तरह का नाम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। नाम रेलेवेंट रखना है, ये टास्क वन टास्क टू नहीं रखना है, सही है, नाम रेलेवेंट रखना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास, मेरी कोशिश होगी कि 40-50-60-70 रिपॉजिटरीज बन चुकी हूँ, छोटे छोटे 40-50 टास्क हम बना चुके हूँ। ठीक है, तो उसमें फिर वो टास्क वन टास्क टू आपको याद भी नहीं होगा कि टास्क टू क्या बनाया था मैंने। तो बेहतर है कि नाम आप ऐसा रेलेवेंट रखें कि आपको समझ में आए, बाद में आप ढूंढने तो आपको पता चले कि क्या चीज़ कहाँ पर है। तो एक नई रिपॉजिटरी बनानी है रेलेवेंट नाम के साथ, उसको अपने पीसी में क्लोन करना है। आप सब लोग क्लोन करना जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बावजूद समझ में ना आया तो वो रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर की हैं जो शुरू की क्लासेस हैं, उसमें नई रिपॉजिटरी github.com पे बना के क्लोन करना है उसको। क्लोन करने के बाद ये स्क्रैम्बल एग या जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगती है उसमें वो अपने बनानी है HTML के फॉर्म में, और बना के उसको वापस GitHub में पुश करना है। GitHub में पुश करने के बाद उसकी होस्टिंग का जो सेटअप है पेजेस में जाके, वो सब लोगों को आता है, तो होस्ट करके उसका लिंक जनरेट करके, और आपको लिंक कहाँ पे मुझसे शेयर करना है, air.sysborg.com। ठीक है, और हाँ, और आपकी जो क्लास आईडी है इसमें वो QRS है। ठीक है, स्मॉल में ये आप लिखेंगे QRS। तो ये पुराने भी लिंक्स आपके आ गए जो आपने पहले शेयर किए थे, मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, वो पुराने लिंक्स मैंने सारे डिलीट कर दिए। अब जो आप नए वाले लिंक शेयर करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू हो जाए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे भी बुला सकते हैं और आपस में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं।